नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर को किस तरीके से डिसमेंटल करें। ये सिलेंडर, ये जो मेरा वीडियो है, ये सिलेंडर का पार्ट वन है। इसके बाद पार्ट टू भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगता है? इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से डिसमेंटल करना है, सील कैसे निकालना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, जिनको ऑनलाइन क्लास मेरे से जूम ऐप के जरिए लेना है, वो मेरा जो स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप उससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको यूट्यूब से लाइव क्लास लेना है, वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं गुरु द्रोणा प्लान के साथ। तो यूट्यूब से जो हर संडे जो हम एक लाइव क्लास करते हैं छोटी सी, आप उसके ज़रिए अपने जो है चैट में आकर के, और आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम। तो एंड टू एंड आपको वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगता है मेरा ये वीडियो? फ्रेंड्स, अभी जो देख पा रहे हैं, ये एक मेरे पास छोटा सा सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर देखिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे ये आपकी फ्रंट एंड प्लेट होगी, ये आपकी रियर एंड प्लेट होगी। इसको फ्रंट एंड प्लेट और रियर एंड प्लेट के या केप के नाम से जानते हैं। ये इसमें टाई रोड होती है, इसमें चार टाई रोड थी, हमने हटा लिया, एक टाई रोड हमने रखा है आपको बताने के लिए। ये आगे जो है इसको इसके अंदर लिप सील होती है, कुछ लोग लिप सील के नाम से जानते हैं, कुछ कार्टराइज सील के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो ये यूनिट होती है, ये आपकी रोड सील को इस लोग रोड सील के नाम से जानते हैं। यानी ये जो आपके जब रोड बाहर निकलती है, तो यहाँ से जब ऑयल निकलता है उसको रोकने के लिए ये एक कार्टराइज हाउसिंग रहता है, जिसके अंदर हम कार्टराइज सील डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि ये कार्ट पूरा अलग हो जाता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि इंटरनल यहीं पर ही पी यू सील डलती है, तो वो आप पी यू सील अंदर अंदर ही ग्रूव कटा होता है इसी बॉडी फ्रंट एंड केस में, उसी के अंदर डाल देते हैं। बट ये अलग अलग टाइप के होते हैं सिलेंडर। ज़्यादा डीप अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है आजकल हम जो है संडे को लाइव क्लास करते हैं, आप उसके लिए गुरु द्रोणा प्लान ले सकते हैं। तो उसके अंदर भी आप जो है डीप में आपको और मालूम चल जाएगा, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है स्टैंडर्ड सिलेंडर है मेरे पास, टाई रोड वाला। अब इसको देखिए, डिसमेंटल करेंगे तो क्या क्या इसमें पार्ट्स आते हैं हम बात करते हैं। अभी इसको ओपन करता हूँ मैं, और ओपन करेंगे तो इस तरीके से स्प्रिंग के साथ में ये नट लगे रहते हैं, इसको आपको अलग करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि रियर एंड केप को आपको अलग कर देना है। अगर आपके पास मेल्ट हैमर है तो मेल्ट हैमर का इस्तेमाल कीजिएगा, एमएस हैमर को यूज़ ना करें क्योंकि उससे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप अलग कर लें इसको। जब आप अलग करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक केप निकलेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मार्किंग आ रखा है। बहुत सी कंपनियों में मैंने देखा है इस तरीके से मार्किंग आ जाती है। ये मार्किंग आती है, देखिए ये डस्ट है, देखिए आपके ऑयल का डस्ट कभी ना कभी इसमें गया होगा, और वो जो मेटलिक डस्ट है ये इस टाइप से, वही आपकी सील या सिलेंडर को डैमेज करती है, तो आपको उससे बचाना है। दूसरा फ्रेंड, इसको आगे से हम ओपन करते हैं। मैंने ओपन करके रखे हैं ये बोल्ट। अब अगर मैंने आगे से ओपन कर दिया है तो देखिए 6 बोल्ट हमने यहाँ से निकाले, तो ये कवर जो है ये भी आपका देखिए अलग होने के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये आगे निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक पिस्टन रहता है जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। वो पिस्टन को जो है हम रोड के ऊपर गर्भ शुक्रों से टाइट करते हैं। ये गर्भ स्क्रू आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, गर्भ स्क्रू आपका क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। क्यों डैमेज हुआ है? क्योंकि ये कभी ना कभी लूज रहा होगा। हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हमेशा गर्भ स्क्रू लगा के एक या दो पंच साइड में मारते हैं, ताकि जो थ्रेड है वो थोड़ी सी जो है आपकी अंदर की तरफ धंस जाए। वो अगर धंस जाती है अंदर की तरफ तो क्या होता है कि फिर आपका ये गर्भ स्क्रू बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो इस तरीके से जो यहाँ पे डैमेज किया है वो डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि जब मेटल टू मेटल ये डैमेज करना स्टार्ट करता है तो इसके अंदर चिप भी बन जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे डस्ट ही डस्ट भरा हुआ है। अब अगर मैं इसको गर्भ चक्रों को खोलता हूँ, बाहर ला के भी खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं, ये गर्भ चक्र इस तरीके से खुल जाएगा। ये डैमेज हो रखा है, इसमें नया गर्भ चक्र हम लगाएंगे, और इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। अब ये देखिए नया गर्भ चक्र लग जाएगा मेरा, ये तो ये जो है लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो ये घूमेगा नहीं, उसके लिए पिस्टन और पिस्टन रोड को कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लॉक करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का, ज़्यादा जोर से नहीं मारने का कोशिश करने का, मेरा टेमर हो आपके पास, ताकि ये जो है अलग हो जाए। और पेचकस लेकर के आप, या टेस्टर है तो उससे भी आप इसको जो है पीछे कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बाहर की तरफ आप लेने का, टेस्टर देने का मेरे को।
इस तरीके से, ये काफी दिनों से खुला नहीं है इसलिए यहाँ पे पेंट वगैरह होने की वजह से भी काफी दिक्कत है। इसको आप अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से भी निकल जाता है ये। ऐसे आप इसका बैरल देखेंगे, बैरल के अंदर स्कोरिंग तो नहीं है, अभी आप देख पा रहे हैं इसमें कोई स्कोरिंग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल आपका यूजेबल है सिलेंडर, आप इसको डैमेज अभी डैमेज नहीं हुआ ये। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर क्या निकल के आया है। इसके अंदर एक तो ये पिस्टन रोड निकल के आई है जिसके ऊपर ऑयल जो है चिपका हुआ है, काफ़ी दिनों से जो है हमने इसको खोलने के बाद रिपेयर करके नहीं रखा था। तो देखिए ये इस तरीके से आपका बिल्कुल ओके है पूरा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर सील होती है आपकी, यहाँ पे पीटीएफपी सील पड़ी हुई है, जो ये वाली सील है इस सील को हमेशा हम गाइड स्लिप के नाम से जानते हैं, जो कि आपका इस सिलेंडर के अंदर जो है गाइड करके चलती है, मेटल टू मेटल आपका टच ना हो, आपके सिलेंडर को बचाती है, स्कोरिंग होने से बचाती है, उसके लिए गाइड स्लिप है। बीच में जो आप ये एक देख पा रहे हैं ये आपकी पीटीएफपी सील होती है। ये इस सील को मैं अलग से आपको सिखाता हूँ। देखिए ये सारी यूनिट मेरे पास हाथ में है, ये जो है आपके आगे के लिए है, ये गाइड स्ट्रिप आगे भी लगती है पीछे भी लगती है। उसके बाद ये सील जो है यहाँ पे पड़ी होती है, इसके नीचे जो है इस टाइप से इसके साइज की ओरिंग रहती है, जो कि है हम इसके नीचे जो है इस तरीके से ओरिंग रहता है, वो ओरिंग भी आपका हार्ड हो जाता है गर्म होकर के हार्ड हो जाता है, उसके बाद जो है ये पिचक जाता है अंदर की तरफ, तब भी आपका इंटरनल ऑयल लीकेज बढ़ जाता है। तो आपको क्या है, अगर आपका इंटरनल ऑयल लीकेज बढ़ गया है, यानी आपने पीछे वाले इस पोर्ट के अंदर ऑयल दिया और आगे वाले आपके इस पोर्ट में से ऑयल आ रहा है प्रेशर बनने के बाद यहाँ से आ रहा है, तो मतलब अंदर की जो है आपकी सील जो है डैमेज हो चुकी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको इसको बचाना है या आपको रिप्लेस करना है। तो आप अगर बचा आपके पास नहीं है तो आप टेफ्लोन वगैरह लगा करके दोबारा से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको नया सील डालना है तो आप नया डालिए, क्योंकि हार्ड होने के बाद ख़राब हो जाता है। अभी जो है ये नया है, इसके अंदर हम नया डालेंगे। अभी फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर चार चीज़ होती है, दो गाइड स्ट्रिप, एक ओरिंग और एक ये पीटीएफपी सील। ये आपके अच्छे टेम्परेचर, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे इन सीलों को यूज़ किया जाता है। कम टेम्परेचर पे आप पीयू सील वगैरह यूज़ कर सकते हैं या दूसरी कैनवास सील वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम तो रहती है, वहाँ पे हमेशा पीटीएफपी डालिया या आपकी यहाँ पे आगे की तरफ बैकअप रिंग जिसको बोलते हैं हम, उसके आपके लॉक करके रखते हैं इस एरिया को, ताकि ऑयल यहाँ से ना निकले। ठीक है फ्रेंड, अब अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये अगर निकल जाता है बाहर, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम एक बार इसको भी डिसमेंटल करते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत आया था हमारा जो है। आपको ये आगे से ही निकालना है कार, मैं अभी आगे कुछ दिक्कत आ रहा है तो बैक साइड से निकालूंगा आपको दिखाने के लिए। मैं आगे से इसको डिसमेंटल कर लिया है मैंने पूरे पार्ट को। अब देखिए फ्रेंड क्लीन करिएगा, उसके बाद ये जो है मेरा थोड़ा सा यहाँ से डैमेज है, इस वजह से ये निकला नहीं था। आपका हो सकता है कि इस तरीके से हो रखा हो, कहीं पे डैमेज हो रखा हो, तो उसको क्लीन करिएगा पहले, उसके बाद आगे की तरफ से निकालिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें भी वही गाइड स्ट्रिप यहाँ भी लगी है, इस साइड में भी गाइड स्ट्रिप है, बीच में जो है पीटीएफपी लगी हुई है, देखिए ये पीटीएफपी है, ठीक है इस टाइप की छोटी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है वाइपर सील लगा हुआ है ये। इसके बाद जो है एक अंदर की तरफ जो है पीयू सील लगी हुई है, ये इस टाइप की पीयू सील, पीयू नहीं सॉरी यू सील है, यू कप सील एनबीआर में, निट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ में। तो ये पीयू सील में भी आती है, पीयू मटेरियल में भी आती है। तो अक्सर जब हम पीटीएफपी यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा एनबीआर यूज़ करते हैं, क्योंकि मेजर जो ऑयल की क्वांटिटी होती है वो आपका जो है पीटीएफपी रोक लेती है, बाकी जो बचा हुआ ऑयल है उसको जो है आपकी ये एनबीआर सील है ये रोक लेती है। तो ये इसके अंदर इजीली चली जाती है और इसका मुँह हमेशा आपको इस रेडियस की तरफ ही रखना चाहिए, ताकि इधर से ऑयल आए तो वो प्रेशर रोक ले, ये आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स ये था डिसमेंटलिंग ऑफ सिलेंडर। अब इसका असेंबल जो है आप जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी असेंबली, तो हम इसको असेंबल करेंगे, तो वो आप देखने का।
और अगर किसी को मेरा चैनल ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस के लिए, संडे के दिन हम लाइव क्लासेस करेंगे, तो गुरु द्रोणा प्लान आप ले सकते हो या आप जो है कर्णा प्लान ले सकते हो छोटे वीडियो या छोटी लाइव क्लासेस के लिए। धन्यवाद।